हेलो फ्रेंड, शैलजा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अलग तरह की बालूशाही बनाने जा रहे हैं, जो खाने में भी बहुत अच्छी हैं और देखने में बहुत सुंदर हैं। हम तीन तरह के बालूशाही बनाना दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हम उसकी चाशनी बना लेंगे। एक कटोरी हमने चीनी लिया है, उतना ही हमने पानी लिया है, एक से दो छोटी इलायची डालेंगे। लो मीडियम इसको पकाएंगे हम। एक तार की चाशनी बनानी हमें, ज़रा मोटी बनाएंगे तो बालूशाही के अंदर नहीं जाएगी, इसलिए एक तार की बनाएंगे। तब तक माटा लगा लेंगे। डेढ़ कटोरी हम मैदा लेंगे, एक चुटकी नमक डालेंगे, दो चुटकी हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, एक स्पून इसमें दही डालेंगे। अच्छे से इसको मिला देंगे हम, पूरा अच्छे से मिल जाए। दो से तीन स्पून इसमें हम रिफाइंड डालेंगे या इसमें हम घी डालेंगे, कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए हमारा मोहन ऐसे लग गया है। हल्का गुनगुना पानी डालेंगे, जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं वैसे ऐसे इस तरह आटा लगाएंगे हम। ना हार्ड होना चाहिए और ना ज़्यादा नरम होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। 10 मिनट हम रख देंगे सेट होने के लिए। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम एक लोई लेंगे, पूड़ी से थोड़ी सी बड़ी लेंगे। ऐसे पूड़ी बनाओ तो ना बड़ा बनाना है, लेकिन थोड़ा इसका मोटा रखेंगे हम। सबसे पहले हम टेढ़ी बेर आकार की हम बालूशाही बनाएंगे। साइड साइड इसको मोड़ देंगे, ये हमारे टेढ़ी बेर के कान बनेंगे। अच्छे से चिपका देंगे, इसको हल्का सा रोल कर देंगे। चक्कू की सहायता इसमें हम कट लगाएंगे। चक्कू हमारी तेज धार की रहती है तो कट अच्छे से लग जाता है इसमें। अब इसको हम पीछे मोड़ देंगे, मोड़ के अच्छे से चिपका देंगे ताकि खुले ना। हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि खुलेगा नहीं, अच्छे से चिपक जाएगी। ये हमारे टेडी बेयर कान बन गए। अब इसकी हम आंखें बनाएंगे। अब चिरौंजी की आंखें लगा दी चाहिए, फिर छोटी इलायची के दाने निकाल के आंखें हम इसकी बना सकते हैं। मैंने छोटी इलायची के दाने निकाल के लगा दिए इसमें। देखिए हमारे टेडी बेयर आकार की बालूशाही बन गई है। दूसरे उसमें हम थोड़ा सा कलर डालेंगे आटे में, अच्छे से मिला देंगे। इसका हम लोटस बनाएंगे, जैसे पूड़ी उतना ही पूड़ी बेलेंगे हम। थोड़ा सा मोटा रखेंगे, ना मोटा ना पतला, बीच का। इसके हम चार भाग करेंगे बराबर बराबर। सब पूड़ी काट ली हमने। अब इसमें हल्का सा पानी लगाएंगे। दूसरी पत्ती इसी में रख के हम चिपका देंगे, उंगली से प्रेस कर देंगे। फिर पानी लगाएंगे, फिर इसमें थोड़ा सा चिपका देंगे, हल्का सा दबा देंगे ताकि चिपक जाए। चक्कू की उल्टी की तरफ से हम इसको हल्का सा दबा देंगे। हमें काटना नहीं, इसमें सिर्फ एक लाइन बनानी है। इसको हल्का सा रोल कर देंगे, इससे हमारे दो लोटस तैयार हो जाएंगे। देखिए रोल हो गया पूरा। अब इसे बीच से हम कट कर देंगे चक्कू से। चक्कू थोड़ी पैनी होनी चाहिए, अच्छे से कट हो जाते हैं। ये देखिए हमारे लोटस तैयार हो गए हैं, उसी आटे से दो लोटस। अब तीसरा ही हम बनाने जा रहे हैं लोटस, दो कलर में। सादा आटा ले लिया, इसके हम चार भाग करेंगे, बीच से कट कर लेंगे। चारों भाग बराबर होने चाहिए, वही प्रोसेस रहेगा। हम थोड़ा सा पानी लगा के वाइट पार्ट इसमें रख देंगे, हल्का सा चिपका देंगे। फिर हल्का सा पानी लगाएंगे, फिर रेड पार्ट रख देंगे इसमें, चिपका देंगे हल्का सा। हल्का सा चक्कू की उल्टी तरफ करके इसका हल्का सा दबा के इसमें लाइन बना देंगे। इसको हम हल्का सा रोल कर देंगे हल्के हाथों से। ये देखिए हमारा रोल हो गया हमारा। और बीच से इसे कट कर देंगे, इससे हमारे दो लोटस तैयार हो जाएंगे। ये देख सकते हैं हमारे दो लोटस तैयार हो गए हैं, रेड और वाइट कलर में। इधर हमारी चाशनी बन गई है। चाशनी हम ना खूब गर्म करेंगे ना खूब ठंडी, बीच की होनी चाहिए, तभी हमारी बालूशाही के अंदर जाएगी। देखिए एक तार की चाशनी में तैयार हो गई है। इधर हमारा तेल गर्म हो गया है, देख सकते हैं। पहले टेढ़ी बेर आकार की बालूशाही इसमें डालेंगे, फिर लोटस डाल देंगे। लो मीडियम में पकाएंगे हम, 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे हम, ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए, कच्ची न रह जाए अंदर से। हम तेज आंच में पकाएंगे, ऊपर से तो पक जाएंगे, अंदर से हमारी बालूशाही कच्ची रह जाएंगी।
इसलिए लो मीडियम में इनको पकाएंगे हम। इधर हमारी चाशनी तैयार हो गई है, अब इसी चाशनी में हम बालूशाही डाल देंगे। इस बार होली में ज़रूर बनाइए लोटस आकार की, टेडी बेयर आकार की बालूशाही, आपके फ्रेंड आपके सबको बहुत पसंद आएंगी। देखिए हमारी कितनी जूसी बनी, आप देख सकते हैं अंदर कितना पूरा जूस गया अंदर चाशनी अंदर उनके, देख सकते हैं आप। बच्चों को बहुत अच्छी लगेंगे खाने में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।